खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और पीएम मोदी का अमेरिकी दौरे ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब चीन से भारत और यूएस दोनों के ही रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। जहां भारत से चीन का सीमा विवाद चल रहा है तो वहीं ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन भी आमने सामने। यही वजह है कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से चीन को मिर्ची भी लगी है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ये तक कह दिया है कि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी का लाभ खुद को मजबूत करके उठाना चाहता है और दुनिया के मंच पर चीन की ग्रोथ को रोकना चाहता है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली स्टेट विजिट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है, वो अब तक के दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री और तीसरे बड़े नेता है जिन्हें अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए इन्वाइट किया गया है। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत अमेरिका के बीच गहरे संबंध है और हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी लगातार बढ़ी है। पीएम मोदी इस दौरे पर एलन मस्क समेत कई अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और इस दौरान पीएम मोदी इन कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दे सकते हैं।